आपने एक बात कही कि भाई दूध पीने वाले भाई ये समझते नहीं कि दूध के पीछे का क्या प्रोसेस है। हमारे पास तो भाई डब्बा आ गया। मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूँ। 1966 में गौ आंदोलन हुआ कि भाई गौवध बंद किया जाए। उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ, इसमें वर्गीज कुरियन भी थे जो अमूल के फादर माने गए। उस समय उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसान बछड़ा पालेगा तो डेयरी में मुनाफा नहीं कमा पाएगा, अगर वो बूढ़ी गाय भैंस नहीं बेचेगा तो नई गाय भैंस नहीं ला पाएगा। मुझे लगता है ये साफ स्पष्ट बात है कि डेयरी बिना स्लॉटर के मुमकिन नहीं। खैर ये तो तब की बात है, उसके बाद से बात आगे आई नहीं। तो इस समय हम चाहते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री खुल के बोले कि भाई बिना स्लॉटर के डेयरी मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हम उनसे 3 सवाल पूछ रहे हैं। हमें 1 साल हो गया पूछते हुए, हमारी मुहिम का नाम है क्लीन मिल्क। भाई पहला सवाल है कि बूढ़ी गाय भैंस कहाँ जाती है? एक, दूध के उत्पादन के लिए जो बछड़ा पैदा किया है, जो वो नर बछड़ा है, उसका क्या होता है? 3, इंडिया बीफ का टॉप का एक्सपोर्टर है, तो ये भैंसें डेयरी से नहीं तो कहाँ से आ रही है? आपका हमारी इस अप्रोच के बारे में क्या राय है? सही बात है। और ये सवाल तो पूछने की बात ही नहीं है, ये तो हर प्रबुद्ध नागरिक को जिसकी थोड़ी भी सोचने समझने की क्षमता हो उसे ये खुद ही चुपचाप बैठ के विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में अगर आप इस पे ध्यान दें इकोनॉमिक्स साइड से, तो दूध हमें जिस भी रेट पे मिल रहा है, 60 रुपये 70 रुपये जिस भी रेट पे मिल रहा है, वो उस रेट पर मिल ही इसलिए पा रहा है क्योंकि फिर बाद में कैटल का स्लॉटर होता है। अगर सब गायों पर, सब गौपालकों पर ये शर्त लगा दी जाए, ये बंदिश लगा दी जाए कि साहब अगर आपने गाय पाली है और उसका आपने दूध बेचा है, तो जब तक गाय प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाती आपको उसको पालना पड़ेगा उसके बुढ़ापे में, तो दूध बहुत महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर दूध के दाम में वो सब खर्चा भी जुड़ जाएगा जो गाय पालने वाले का होगा, गाय का बुढ़ापा काटने के लिए। भाई ये काम तो पूरा इकोनॉमिक्स का है ना, ये तो कॉस्ट साइड में क्या था कि आपने गाय को बड़ा करने में, उसको खिलाने में या उसकी जो भी है देखभाल करने में आपने जो भी रुपया पैसा खर्च किया वो आया, ये कॉस्ट साइड है। अब इतनी जो कॉस्ट लगी है ये आपको उगानी है, रिकवर करनी है, वो आप किस किस तरीके से करते हो? एक तो आप दूध से करते हो, पर दूध से पूरी नहीं कर सकते, तो फिर आप किस चीज़ से करते हो? फिर आप चमड़े से करते हो, फिर आप मांस से करते हो, फिर आप हड्डियों से करते हो, फिर उसकी हड्डियों के और मांस के अंदर जो 50 तरीके के केमिकल निकाले जाते हैं आप उनसे करते हो। अगर वो सब बंद हो जाए, अगर ये हो जाए कि साहब गाय से सिर्फ दूध लिया जाएगा, तो जो पूरी कॉस्ट लगी थी, जो पूरी खर्चा हुआ था गाय का या भैंस को जन्म देने में, पालने में, उसको एक छाया देने में, खिलाने पिलाने में, वो जो सारा खर्चा है वो फिर किससे निकालना पड़ेगा? दूध से, तो दूध हो जाएगा महंगा। तो असल में हम सब सस्ता दूध पी ही रहे हैं उस बेचारे प्राणी के मांस की कीमत पर। अगर उससे मांस ना लिया जाए तो दूध महंगा हो जाएगा। तो मैं बस सबसे यही निवेदन करता हूँ बार बार, ये आप ये सोचें कि ये जो आप दूध पी रहे हैं क्या उसमें उस निरी बेजुबान जीव का रक्त भी नहीं मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है। ईमानदारी की बात यह है कि काम तो ज़बरदस्ती का ही है कि आपने एक मादा को पकड़ लिया है ना साहब, आप उसके गले से रस्सी खोल दीजिए, वो क्या खुद बहुत बेचैन हो रही है आपको दूध पिलाने के लिए? है तो ये ज़बरदस्ती किया हुआ काम ही ना, और आप ने उसका जो है दूध निकालना शुरू कर दिया। मेरी नज़र में ये काम ही भद्दा है। तो प्रैक्टिकल नहीं है क्लीन मिल्क आना, तो आपको लगता है कि फिर भी ये शाकाहारी लोगों में एक अवेयरनेस लाएगा कि दूध के पीछे की कहानी क्या है? जब वो क्लीन मिल्क की डिमांड करेंगे, और ज़मीनी सच्चाई ये है कि डेयरी कंपनीज क्लीन मिल्क प्रोवाइड कर ही नहीं सकती, और जब वो हाथ खड़े कर देंगी तो एक शाकाहारी व्यक्ति फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि अभी तो अवेयरनेस ही नहीं है ना। ये बढ़िया बात है। लोगों को देखिए ये मत बताइए कि तुम ये करो, लोगों को बस ये बताते चलिए कि देखो ये चल रहा है काम, अभी ये जो तुम दूध पी रहे हो ना
ये रक्त है। लोगों को बस ये दिखता चले, बस जो तथ्य हैं, जो हकीकत है, लोग आप उससे वाकिफ कराते चलिए। उसके बाद लोगों की अपनी चेतना है, वो धीरे धीरे खुद अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको बिल्कुल लत लगी हुई है, जिनके लिए दूध एक नशे की तरह है, एडिक्टेड है वो, उनका नहीं कुछ हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उस पर काम बिल्कुल जड़ों से होना चाहिए। हमारा फोकस तो उन लोगों पे रहता है कि भाई जो बुरे नहीं है, उनकी राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं है, उनके पास बस राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब राइट इन्फॉर्मेशन देने के जहां तक मुझे समझ में आता है भाई, एक तरीका तो यह कि मैं आपको पकी पकाई इन्फॉर्मेशन दे दूं, जहां तक मुझे लगता है वो फेल हो जाता है माध्यम, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचने में 10 साल लगे और वो कंक्लूजन मैं आपको दूं और मैं सोचूं आप जीरो से वहां तक अभी पहुंच जाए। दूसरा यह है कि भाई जो सवाल मेरे जहन में उठे, जिसकी वजह से मैं वीगन हुआ, मुझसे जो सवाल पूछे गए वो मैं आपसे पूछूं। अब अगेन कई बार लोग बहुत सेंसिटिव हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई आप चिकन खाते हैं, आपको लगता नहीं उसको दर्द होता होगा। तो मुझे अवेयरनेस का जो बड़ा एक अच्छा माध्यम लगा वो ये कि लोगों को सवाल पूछने पर उकसाया जाए, और जब उन्हें जवाब ना मिले तो वो अपने कंक्लूजन खुद डिराइव करेंगे। ये क्लीन मिल्क के पीछे हमारी सोच थी कि लोग शाकाहारी, लोग वो शाकाहारी इसलिए है ना कि भाई जानवरों को दर्द ना हो, तो वो डेयरी वालों से पूछें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध के चक्कर में हम वो कर रहे हैं जो हम सोच ही नहीं रहे थे। तो ये मेरा क्लीन मिल्क का मुद्दा है। ये बिल्कुल मुद्दा ठीक है। किसी भी और मुल्क की अपेक्षा भारतीय जो चित्र रहा है उसमें दया रही है। हम थोड़े उदार लोग हैं, हम बहुत उदार लोग हैं वास्तव में दुनिया के लोगों की अपेक्षा। वो चीज़ अब कम हो रही है, काफ़ी कम हो गई है पहले से, लेकिन फिर भी अभी हमें उदारता बहुत है। अगर हमें बस ये सोचने तक ला दिया जाए कि ये कैसे पहुंच रहा है मेरे होठों तक, तो मैं बदल जाऊंगा। पर फिर भी जब हम क्लीन मिल्क की डिमांड करते हैं, हम कहते हैं कि भाई गौवध बंद होना चाहिए, दूध अगर आता है तो साफ आना चाहिए। अब इसमें हमारा विरोध शाकाहारी लोग नहीं करते, इसमें हमारा विरोध वीगन लोग करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कि अगर हम गौवध को बंद करने की मांग कर रहे हैं तो वीगन्स को इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्लीन मिल्क से वीगन्स को क्या समस्या है? देखिए, वजह यह है कि ये जो वीगनिज्म है ये बस एक एथिकल थॉट है, इसकी कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, इसकी कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है, समझ रहे हैं? तो उनका जो कुल मिलाकर के उद्देश्य है वो ये है कि साहब आप कोई भी जो उत्पाद है जो पशुओं से आ रहा है वो इस्तेमाल मत करो, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं करो, और इस मुद्दे का जो एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, इसमें वो कभी गहराई से जाना नहीं चाहते, बल्कि उनको गहराई से जाने में बहुत डर लगता है। तो इसलिए उनका बस यही है कि साहब मिल्क नहीं पीना है तो नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है। आपको आप बोलोगे क्लीन मिल्क पीना है, वो तुरंत विरोध पे उतर आएंगे, समझना भी नहीं चाहेंगे कि बात क्या है। ये एक जिद पर बस अपना आड़े रहेंगे, और मैं उस जिद के साथ हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जो मेरी इसमें बात है वो थोड़ी ज़्यादा गहरी है, उसमें इतना ही नहीं है कि बस दूध नहीं पियो, उसमें बात यह है कि जीवन में हिंसा नहीं होनी चाहिए।